नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ फिश करी। देखिए, शायद आप लोगों को पसंद आए। मुझे पता है फिश करी सभी को बनानी आती है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। आप लोग देखिए, शायद आपको पसंद आए। ये है सरसों, ये जीरा धनिया, लहसुन, छोटा टमाटर, बड़ा टमाटर, उसके बाद आलू, और ये है, इसको हम बोलते हैं नागा धनिया, और बाकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। ये सब फिश में अभी मैं डालूंगी, इसे 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 मिलाकर मैं मिक्सी में पीस लूंगी। ये सरसों है, ये इसमें जाएगा, और ये जीरा धनिया है वो भी इसमें जाएगा, और ये लहसुन, इस सबको मैं अच्छे से पीस लूँगी। इसमें मैं हल्दी नहीं दे रही हूँ, ये पीसने के बाद मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। मैं अभी पीसने के लिए जा रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये अच्छे से पीस जाए। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है। अभी ये मेरा फिश है जो मैंने पहले से ही फ्राई कर लिया था, ये पूरा रेड हो गया है। देखिए, पूरा लाल हो गया है। लाल होने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैंने तेल देके फिर फ़ौरन दिया है जीरे का। उसके बाद मैं अभी आलू दूँगी इसमें। आलू को अच्छे से फ्राई करूँगी पूरा रेड हो जाने तक। उसके बाद मैं इसमें टमाटर, बड़ा टमाटर और छोटा टमाटर दोनों ही फ्राई कर लूँगी पहले, जो आलू रेड हो जाए उसके बाद। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा लाल मिर्च और मसाला देकर इसको पूरे अच्छे से भून लूँगी। जब तक ये पूरा मसाला अच्छी तरह से भून ना जाए तब तक भूनती रहूँगी मैं इसको। ये देखिए, अच्छे से मसाला भून गया है, ये लाल हो गया है, इसमें तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए। पकने के बाद देखते हैं ये कैसा होता है। अब मैं इसमें फिश डाल रही हूँ। फिश डाल के थोड़ी देर इसको पकाने के लिए छोड़ दूंगी, और इसमें मैं थोड़ी वो धनिया पत्ता होता है वो डालूंगी। धनिया पत्ता देने से टेस्ट अच्छा आता है। तो उसके बाद पक जाने पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा फिश करी हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए।